हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, अभी कमेंट आया, सांप है, इसको पकड़ने में, इसको बचाने में, जंगल में छोड़ने में, यानी कि रेस्क्यू रिलीज़ करने में बहुत सा सारा समय लगता है और बहुत सी सारी मेहनत लगती है, दिमाग है, काम है, कहीं से ज़रा सा 19-20 हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए बताते हैं कि सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है और मैं भी अभी बच्चा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी है जो मैं पकड़ लेता हूँ और इनको बचा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस वीडियो में हमारी गलती हुई, हमसे कहीं ना कहीं मिस हुआ, और हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो या हमारी भूल हो, जो भी कह लीजिए, क्योंकि खतरा हमारे साथ हुआ। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि नज़रें जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, सांप को लाए हैं, थोड़ा सा बिग साइज़ का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा था, बहुत भयानक था। तो हमें वहाँ पहुँचने में गंतव्य स्थान पर थोड़ा सा विलंब हुआ, थोड़ा चोक चाक हुई, तो लोगों ने उसको थोड़ा सा छेड़ दिए थे, उसको रोकने के चक्कर में। तो काफ़ी क्रोधित था और सस्पेंस ज़रा सा बिगड़ गया और हादसा हो गया। तो बात यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में बहुत सी आंधियाँ आती रहती हैं, इस समय को बुझाने के लिए बस आप लोगों की दुआएँ हैं और आप लोगों की मोहब्बत बुझने नहीं देती। तो और एक बात है दोस्तों, कभी कभी ख्याल आता है मन में कि आज जो जहाँ में ऊंचा हमारा सर है, आज जो जहाँ में ऊंचा हमारा सर है, कुछ और नहीं, मेरी माँ की दुआओं का असर है। दोस्तों, जीवन जब से मिला है तभी से कुछ न कुछ उठा पटक जीवन में आता रहता है। तो कभी कभी दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में भी ऐसा माना गया है, हवन करने पर, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हवन करते हैं, तो भी हाथ जलता है। तो एक नेक काम करने में, अच्छा और पुनीत काम करने में, किसी का जीवन बचाने में, अगर ये जीवन शहीद हो जाता है तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और क्योंकि एक अच्छा काम करते करते मर जाना हमारे लिए परम लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को रिलीज़ करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया और आप ही लोगों की दुआ है जो मैं आप लोगों के सामने हूँ और एक छोटी सी मुस्कान लेकर के। चलिए दिखाते हैं सांप कैसा था, क्या है आपके सामने। तो दोस्तों, यही वो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, बिग साइज़ का है, काफ़ी मोटा है, बड़ा है। तो जुनून है, हो गया मिस, लोगों ने इसको इसके साथ छेड़छाड़ किया था और यही हमको बाइट किया। हालांकि दोस्तों, इधर ये पकड़ा नहीं, उधर मालिक ने हाथ छुड़ाया नहीं, दोनों में सेम टू सेम इक्वल डिफरेंस था। ये जैसे ही पकड़ा, मालिक ने मेरा हाथ छुड़ा दिया और आज आप लोगों की दुआओं से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। निकालते हैं और रिलीज़ करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिग साइज़ में और काफ़ी गुस्से में है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, वो तो एक हादसा था दोस्तों, हो गया गलती से हमारे साथ, हाथ में बाइट किया, बच गया। तो खाया पिया था ये भी और थोड़ा सा छेड़छाड़ हुई, लोगों ने इसके साथ थोड़ा सा छेड़ दिया था, तो पकड़ने में हमने ज़रा सा गलती की। दोस्तों, हमारी एक सोच ये है, कमेंट करके बताइएगा कि जिसके साथ हादसा होता है हम गलती उसी की मानते हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार पत्ता नहीं हिलता बगैर परवरदिगार की मर्ज़ी से। हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी क्या है दोस्तों, ये धरा योद्धाओं से भरा है, ये धरा योद्धाओं से भरा है और मैं तो ठहरा अभी बच्चा। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि ये तो बेजुबान है, ये अपना काम किया, ये बाइट किया, इसके साथ जब भी कोई भी छेड़छाड़ करेगा, कोई भी पकड़ेगा, तो ये तो काटेगा ही।
इसका तो काम है। जैसा कि दोस्तों जब ये सांप मुझे काटा तो 10-15 मिनट के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पर एक एंटीवेनम लगा और आप लोगों की दुआ भी साथ में थी, सेफ होकर के फिर हम हॉस्पिटल से बाहर आए। तो इसको पकड़ने के बाद रिलीज़ करने में लगभग 22-24 घंटे के आसपास टाइम गया है। हम इसे रिलीज़ करने के लिए जंगल में ला दिए। तो दोस्तों ये तो बेजुबान है, इसकी क्या गलती है, इसका क्या कसूर है, इसको क्या मालूम कि हमको कोई बचाने आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तो गुस्से में है, जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे तुरंत खतरा करेगा ये। तो दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास हो चुकी है, इसको देख करके ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये बेचारा बेजुबान है। अब वहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में थे, इसको मारना चाहते थे, छेड़छाड़ किए, लेकिन दोस्तों अपना तो काम है बचाने के लिए, थोड़ा सा समय आगे पीछे होता है, फिर भी हमने इसको बचा लिया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लेकिन कहना ये चाहते हैं दोस्तों, जीव जंतुओं को बचाते बचाते अगर कहीं गलती से ज़िंदगी की आखिरी सांप आ गई, इन जीवों को बचाते बचाते, क्योंकि ये बेजुबान है, तो इसको बचाते बचाते दोस्तों अगर कहीं ना कहीं जीवन की आखिरी शाम आ गई, या तो आपसे अलविदा होना पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये तारा टूट जाने से अलग सोना नहीं होता दोस्तों। ये धरा भरी है योद्धाओं से, बहुत से सारे लोग हैं इसको बचाने के लिए। वैसे तो दोस्तों जब से ज़िंदगी मिली है, एक पल की है जिंदगानी और एक रोज़ है सबको जाना, परसों की क्या सोचें, एक पल का नहीं ठिकाना। दोस्तों कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे में कुछ अच्छा काम करते चलिए, नहीं तो कौन सा चेहरा लेकर के मालिक के सामने हम जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को सैल्यूट करते हैं और ऐसे ही मोहब्बत बनाते रहिए, फिर हमारा रेस्क्यू रिलीज़ यहीं से शुरू होता है। बाय।